प्यारे छात्रों, आज हम लोग अपनी इस कक्षा में दृष्टिबाधित जनों हेतु विशेष महत्वपूर्ण जमा पाठ्यक्रम के अर्थ एवं महत्व के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, दृष्टि बाधाओं की सीमाओं के कुप्रभाव को कम करने, आकस्मिक अधिगम की कमी को पूरा करने तथा विद्यालय में दृष्टिवान बालकों को सिखाए जाने वाले कुछ कौशलों के स्थान पर दृष्टिबाधितों को प्रदत्त वैकल्पिक तथा कुछ अतिरिक्त शैक्षिक अनुभवों के समूह को जमा पाठ्यक्रम कहा जाता है। पहली श्रेणी में अनुस्थिति ज्ञान तथा चल श्रूणता ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, दूसरी श्रेणी में दैनिक कौशल, तीसरी श्रेणी के अंतर्गत ब्रेल या दीर्घाक्षरी लार्ज प्रिंट सामग्री पढ़ना लिखना, और अंतिम श्रेणी में विशिष्ट उपकरणों जैसे अबेकस, टेलर फ्रेम, स्पर्शीय मानचित्रों का प्रयोग, ब्रेलर तथा निम्न दृष्टि लो विजन उपकरणों का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जा सकता है। जमा पाठ्यक्रम को उपकरण विषय टूल्स सब्जेक्ट भी कहीं कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह दृष्टिबाधित बालकों को अपने दृष्टिवान सहपाठियों की भांति शैक्षिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। इसका महत्व यह है कि यह दृष्टिबाधित बालकों को एक बड़ी सीमा तक अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने में सक्षम बनाता है, सुदृढ़ बनाता है, सशक्त बनाता है। जमा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले कौशलों की संख्या छात्रों के स्तर, विद्यालय विशेष में उपलब्ध आर्थिक और शिक्षा सामग्री हेतु संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक तथा स्थान विशेष में उपलब्ध प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। अतः इनकी अंतिम सूची देना संभव तो है नहीं, क्योंकि बहुत लंबी सूची हो जाती है। अब हम लोग यही साथ में इसके अर्थ और महत्व के साथ में ही इसकी निपुणताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इनमें कक्षा के अनुसार ब्रेल लिपि का वाचन लेखन, निम्न दृष्टि बालकों के लिए लार्ज प्रिंट की सामग्रियों का वाचन लेखन, विभिन्न दैनिक कौशलों तथा विशिष्ट उपकरणों इत्यादि का प्रशिक्षण सम्मिलित होता है। इस संदर्भ में हम निम्न बिंदुओं का आश्रय लेकर इस बात को कह सकते हैं। बालक की पृष्ठभूमि तथा आवश्यकता का आकलन करने के बाद ही उसे अनुस्थिति ज्ञान तथा चल श्रूणता संबंधी ज्ञान तथा दैनिक कौशलों का प्रशिक्षण देना वांछनीय होगा। दूसरा बिंदु अगर देखें, ब्रेल सिखाते समय पहले वाचन और उसके बाद लेखन का अभ्यास कराएं। तीसरे बिंदु के परिप्रेक्ष्य में देखें, ब्रेल शिक्षण से पहले न्यूनतम ब्रेल वाचन तत्परता अर्थात ब्रेल रीडिंग रीडनेस अवश्य विकसित कराएं, जिससे बालकों में ब्रेल के अध्ययन के प्रति और अधिक सूझ बढ़े और उनमें संवेदना जागृत करके स्पर्श की प्रमुखता को समझा जा सके। धन्यवाद।